नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। यह वीडियो उनके लिए है जो अपने आप को कमज़ोर, ताकतहीन, बलहीन, निर्बल समझते हैं। वो अपने आप को गाली देते हैं कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वीर्यनाश से हमारा शरीर बिल्कुल ख़त्म व नाशवान हो गया है। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब तो बस सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे नौजवान बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज की यह वीडियो खास आपके लिए बनाया है। बस एक बात दिमाग में डाल लेनी है, जो आज बताएंगे आपको वो करना है। उसके कुछ ही दिन बाद देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन आएंगे, आप खुद चौंक जाएंगे। चलिए बात करते हैं हनुमान दंड लगाने कैसे हैं, कब लगाने हैं, कितने लगाने हैं। भाइयों, हनुमान दंड लगाने बहुत ही सरल हैं। आपको सुबह के समय लगाने हैं, क्योंकि सुबह के समय ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में होती है और पर्यावरण हमारा शुद्ध रहता है, इसलिए आपको सुबह के समय लगाने हैं। अपना पेट साफ कर लेना है सुबह के समय, उसके बाद लगाने हैं। अपने घर की छत पर, किसी पार्क में या किसी नदी के किनारे, जहां आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे जहां, वहां आपको लगाने हैं और आज से ही लगाने शुरू कर देने हैं। कुछ नौजवान कह रहे थे कि हमारे अंदर कोई भी दंड लगाने का सामर्थ्य नहीं है, हम कैसे लगाएं। भाई, एक तो लगा सकते हो, एक नहीं लगा सकते तो आधी लगाओ, पांच सेट करो, एक दिन में पांच दंड लगाओ, पांच बार आधी आधी लगाओ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहो, जब आपकी ताकत बढ़ती रहे। लेकिन कभी रुकना नहीं है कि दो या तीन दिन लगाए उसके बाद छोड़ दिया कि हमसे नहीं होता, हमारे बस का नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अब बताते हैं लगाने कैसे हैं। सबसे पहले आपको दंड की पोजिशन में आ जाना है, उसके बाद एक पैर आगे लाना है और एक पैर पीछे ही रखना है। फिर दूसरा, हाथों को फोल्ड करके छाती नीचे तक लगानी है, ना लगे तो कोशिश करें शुरुआत में आधी आधी लगाएं, अगर नीचे तक नहीं लगती अभ्यास बढ़ने पर बढ़ते जाएं। जब आपको हनुमान दंड लगाने का अभ्यास बढ़ता जाए तो पैरों से जंप लेनी है और फिर दंड लगानी है। पैरों से जंप लेकर ही सही हनुमान दंड बोले जाते हैं और उनको ही सही हनुमान दंड बोलते हैं, उनसे ही हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हनुमान दंड करते समय अगर आप सांस अंदर रोको या कुंभक लगा लो तो बहुत अच्छा है। अंदर सांस रोकने से ऑक्सीजन आपके संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों में जाएगी, जिससे आपका रक्त प्रवाह तेजी से होगा और आपके अंदर अधिक फुर्ती आएगी। जो नसें या शरीर कोई भी हिस्सा कमज़ोर होगा, वही अच्छे से मजबूत हो जाएगा, बलशाली बन जाएगा। आपको दंड की पोजिशन में आकर सांस भर लेना है और पाँच दंड लगाने के बाद या अधिक जितनी लगा सकते हो सांस अंदर ही रखना है, उसके बाद सांस छोड़ दो। खड़े नहीं होना है, दंड की पोजीशन में ही रहना है। आपको हनुमान दंड के सेट बना लेने हैं। जो अभी शुरुआत करेंगे उनको कम से कम 10 तो लगाने लगाने हैं एक सेट में। जिनका शरीर ठीक है वो अपनी अक्षमता के अनुसार सेट बना ले। एक बात ध्यान रहे, एक सेट में 10 दंड लगाने हैं और कम से कम 4 सेट बना लो। भाइयों, एक बात और ध्यान रहे, अगर आप कुछ वर्कआउट और करते हैं तो हनुमान दंड लास्ट में करना, सबसे लास्ट में, शरीर थकने के बाद। इसका फायदा बहुत ही जबरदस्त है। और आप जैसे आप एक सेट में 10 दंड लगाते हो तो आप अपने सांस को 5 दंड तक या 6 दंड तक रोक पाते हो, तो आपको वहीं सांस छोड़ देना है और तुरंत दोबारा सांस भर लेना है। उसके बाद फिर अपने जो एक सेट में आपकी 10 दंड है, 15 दंड है, पूरी करनी है, लेकिन आपको खड़ा बिल्कुल भी नहीं होना है। 30 दिन में जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आप 30 दिन करके देखो, आपकी जितनी समस्या है बहुत सारी ठीक हो जाएंगी, और ना हो तो छोड़ देना, पर एक बार करें जरूर, आप ताकतवर बलवान बन जाएंगे। दोस्तों, अब बल का रहस्य समझते हैं। बल का रहस्य है ब्रह्मचर्य। कुछ नौजवान बल बढ़ाने के लिए अधिक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नौजवान डाइट अच्छी लेते हैं, महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। इतना सब लेने के बाद अगर वो अपने वीर्य का नाश करते तो बल कहाँ से आएगा। हम यह नहीं कहते कि आएगा नहीं, आएगा, पर नाम मात्र। और अगर वहीं कोई साधारण व्यक्ति कसरत कर रहा है और साधारण दाल रोटी खा रहा है, हरी सब्जियां खा रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपने वीर्य का नाश नहीं कर रहा, अपने वीर्य का नाश नहीं होने दे रहा, तो वो नौजवान ज़्यादा खाने वाले व ज़्यादा कसरत करने वाले से कई गुना बलशाली होगा। इसलिए ही आप भी शुद्ध शाकाहारी सादा भोजन करो और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, आप बहुत अधिक बलशाली बन जाएंगे। अपने वीर्य का नाश बिल्कुल मत होने दो।
सोपन दोष को भी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो। हनुमान जी भी तो ब्रह्मचारी थे, तभी तो उनके अंदर इतना बल था, और इसी ब्रह्मचर्य के बल से उन्होंने लंका में आग लगा दी थी। इसी ब्रह्मचर्य के बल से भीष्म पितामह के अंदर इतना बल था, और अनेकों साधारण मनुष्य ब्रह्मचर्य के बल पर महामनुष्य बने, देवता बने। आप भी आज से ही ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लो। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमान दंड लगाने के फायदे की। फर्स्ट नंबर पर है स्टैमिना बहुत बढ़ता है। जिस दिन से आप हनुमान दंड लगाना शुरू करेंगे उसी दिन से आपका स्टैमिना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट 20 मिनट करते थे और थक जाते थे उसके बाद बैठ जाते थे, 30 दिन के बाद आपके वर्कआउट का टाइम 1 घंटा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर स्टैमिना भरपूर मात्रा में हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज करने में थकान नहीं होगी, और आप 1 से 2 घंटा वर्कआउट आराम से कर सकते हो। या जो खेत में कार्य करते हैं, जो अपने किसान भाई हैं, वो खेत में कार्य बहुत ज़्यादा समय तक कर सकेंगे, उनको थकान महसूस नहीं होगी। सेकंड नंबर पर है मसल्स ग्रो होती है। देखो भाइयों, जब आप हनुमान दंड लगाते हो तो सबसे पहले आप जंप लगाते हो, पैरों पर असर पड़ता है, उसके बाद हाथों पर, चेस्ट पर दबाव पड़ता है, और फिर आपकी मसल्स तेज़ी से ग्रो होती है, और सबसे ज़्यादा चेस्ट तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि चेस्ट पर अधिक दबाव पड़ता है। थर्ड नंबर पर है बॉडी टाइट हो जाती है। जब आप हनुमान दंड को अपने वर्कआउट में ऐड करके रोजाना लगाना शुरू कर दोगे तो 30 से 40 दिन में देखना आपकी पूरी बॉडी टाइट हो जाएगी। जिसके फैट चर्बी लिमिट से ज़्यादा है उसका शरीर भी पूरा टाइट हो जाएगा। अब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो 30 दिन में फिट हो जाएंगे, नहीं, जिनकी चर्बी ज़्यादा नहीं है वो 30 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पर है पूरा शरीर अच्छे शेप में आ जाता है। आपके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर अच्छे शेप में आ जाता है। जब आप जंप लेकर टांग उठाते हो तो टांगों की एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद हाथों की, फिर चेस्ट की, और फिर पेट की। धीरे धीरे एब्स भी आने लगते हैं और अच्छी शेप में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी की शेप अच्छी हो जाती है, हमारी पर्सनैलिटी बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाएं तो आपकी बॉडी की शेप को देखकर एकदम सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पर है शरीर में फुर्ती आ जाती है। अगर आप जंप लेकर कोई सा भी वर्कआउट करते हैं, यह नहीं कि आप हनुमान दंड, सपाटे दंड भी हैं और भी अनेकों दंड हैं, अगर आप जंप लेकर करते हैं तो आपके शरीर के अंदर फुर्ती बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और रोज़ाना हनुमान दंड लगाने से आप फुर्ती का राजा होंगे, आपके अंदर बहुत ही अधिक फुर्ती होगी। सिक्स्थ नंबर पर है रनिंग स्पीड बढ़ती है। टांगों की जंप जब आगे पीछे लगती है तो पैरों की स्ट्रेचिंग होती है, पैर खुलते हैं, जिससे जब आप रनिंग करते हैं तो हमारे स्टेप्स लंबे लंबे चलते हैं, और फिर थकान भी कम होती है। स्टेप लंबे लंबे चलने से हमारी रनिंग स्पीड इंक्रीज होती है और हम थकते भी नहीं हैं, लंबी दौड़ एकदम आसानी से कर लेते हैं। या कोई स्प्रिंट हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, स्प्रिंट भी हम बड़ी ज़बरदस्त लगा देते हैं क्योंकि हमारे पैरों की नसें पूरी खुल चुकी हैं, हमारे पैर लंबे लंबे पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप्स हमारे अच्छे लंबे लंबे पड़ रहे हैं। सेवन्थ नंबर पर है फुल बॉडी वर्कआउट होता है। अलग अलग एक्सरसाइज करने से अच्छा है 20 मिनट हनुमान दंड करो, समय की भी बचत होगी, हमारे संपूर्ण शरीर की कसरत इससे अच्छी हो जाती है। बहुत से नौजवान कई कई घंटे वर्कआउट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 20 मिनट तक लगातार हनुमान दंड करो तो आपके संपूर्ण शरीर की कसरत अच्छी हो जाएगी और आपका शरीर भी अच्छी शेप में आएगा, अच्छी बॉडी बनेगी। 8th नंबर पर है ताकत भरपूर आती है। ताकत की बात करें तो हनुमान जी के दंड है तो ताकत तो भरपूर भर ही देंगे, हनुमान जी की तरह। बस एक बात ध्यान रहे, वीर्य का नाश नहीं करना है, वीर्य बचाने से शरीर शक्तिशाली बनेगा, आप दुबले पतलेपन से भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों जैसा आज हमने वीडियो में बताया है, अगर सब चीज़ आप वैसे ही करते हो तो कुछ ही दिनों में देखना आप ताकतवर बलवान बन जाएंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमने बताया वही आपको करना है, और हनुमान दंड नियंत्रण लगाते रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करना है। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।